अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज आपको नए ब्लॉग में वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, आज आया हूँ मैं शालमी का विज़िट करने के लिए, और आपको भी आज शालमी का विज़िट कराते हैं और दिखाते हैं कि शालमी में क्या क्या मिलता है। तो नाज़रीन, ये शालमी के अंदर जो है आप देख रहे हैं, ये माला लटकी हुई है, मेहंदी वाली दुकानें हैं, और इसके अलावा और जो है लोग खाने पीने का सिस्टम जो है वहाँ ये बहुत है, कबाब वगैरह है, टिक्के वगैरह मिलते हैं, बिरयानी जो है यहाँ वज़न करके दी जाती है। आपने 50 की लेनी, 60 की लेनी या 100 की लेनी है तो वज़न करके देते हैं। तो ये शालमी है, शालमी के अंदर जो है वो अपना हर किस्म की जो है ज़रूरियात की चीज़ें इंसानों की मौजूद हैं। थोक से दर्जनों के हिसाब से यहाँ से सामान मिलता है। तो शालमी यहाँ से शुरू है, यह शालमी मिठाई की दुकान है, जहाँ से रसमलाई बहुत अच्छी मिलती है, और साथ में रसगुल्ले पड़े हुए हैं। ये देसी घी के अंदर जो है वो मिठाई तैयार करते हैं, और लोग जो बाहर से आते हैं वो बड़े शौक से यहाँ आके खाते हैं और लुफ्तानंदोज़ होते हैं। तो जी नाज़रीन, ये देख लें, बाज़ार से हम गुज़र रहे हैं, ये हमारे जो है दाएँ बाएँ जो है ये सारी ज्वेलरी की दुकानें हैं। ये दर्जनों के हिसाब से सामान मिलता है, ये लोग जो है दूर दूर से आते हैं और यहाँ से ख़रीदो फरोख्त करते हैं और जाके अपने शहरों में ये फरोख्त करते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ से सामान बहुत ही सस्ता मिलता है। कभी भी आपका आना जाना हो लाहौर में तो शालमी ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ से सामान जो है बहुत सस्ता मिलता है। ज़रूरी नहीं कि दर्जन के हिसाब से मिलता है, कम भी मिल जाता है। आपने एक दो पीस, तीन चार, जितने भी लेने हो आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसी दुकानें भी शालमी के अंदर मौजूद हैं। तो जब भी आप लाहौर में आएँ, शालमी का विज़िट ज़रूर करें। यहाँ आपको दुनिया की हर एक चीज़ जो है वो मुहैया मिलेगी। तो जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं बेबी वैप्स वगैरह ख़रीद रहा हूँ। यहाँ पैम्परों की भी बहुत बड़ी मार्केट है। लोशन, साबुन, ये जो सलूनों पे, नाइयों की दुकानों पे सामान इस्तेमाल होता है, मेकअप इस्तेमाल होता है, यहाँ से बहुत अच्छा और सस्ता मिल जाता है। ये सारे लोग जितने भी लाहौर वाले हैं यहाँ से ही लेके जाते हैं, और बाहर से भी लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, बल्कि हम अगर कह लें पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ शालमी में सामान लेने के लिए आते हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। तो जी नाज़रीन, आज हमने आपको शालमी का ब्लॉग दिखाया। आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। खुदा हाफिज़।